आज है 7 तारीख और जा रहे हैं मनाली अनमोल। और ये प्लान बिल्कुल अनप्लान था लास्ट ट्रिप की तरह। इसके प्लान में ऐसे ही बनते हैं, एकदम से फ़ोन करेगा भाई चलते हैं और नहीं चलता है। और आज 1 साल हो गया, हम इसी पेट्रोल पंप पे मिले थे जब हम मेथोड़गंज गए थे 1 साल पहले। मैं ट्रैवलर था उस टाइम पे। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग रुके हैं अंबाला हवेली पे और डिनर कर रहे हैं। बहुत टेस्टी खाना, दाल मखनी है, पनीर शाही पनीर है और स्टफ नान है, रायता भी है। तो लगभग 14 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मनाली और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सांस लेने में भी फर्क पड़ा चल रहा है। तो बार बार लेके आना पड़ता है, शर्मा जाता है। तो अभी हम लोग आए हैं ओल्ड मनाली के ब्रिज पे, हमने कैब कर ली थी और अभी यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, सारा ओल्ड मनाली क्रॉस करके जाना है। भाई ने बहुत चुन के लोकेशन ढूंढ लिया। चलो चलते हैं ऊपर, अभी मून भी निकला हुआ है। I don't know, दिख रहा है नहीं दिख रहा। माउंटेन्स हैं तो मैं आप लोगों को रूम डोर देता हूँ, वहाँ रूम है, बेड है और ये हाथ से बनाई पेंटिंग है, बहुत सुंदर है। तो मैंने बनाई तो अभी हम लोगों ने बाइक रेंट करी है क्लासिक 350 और हम लोग जा रहे हैं अभी सोलंग वैली। तो चलते हैं, हम नज़ारे एंजॉय करते हैं। Sweating.
फाइनली हम लोग सोलांग वैली पहुंच गए हैं और अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं करा क्या करेंगे, हम पैसेंगे थोड़ा पैदल ऊपर जा रहे हैं हाइक करके। और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत, सामने बर्फ वाले पहाड़ हैं, से निकल रहे हैं और अभी आएगा प्लान में डिसाइड नहीं किया है, तो थोड़ा नीचे चल के देखते हैं, अगर टाइम रहा तो हम लोग गुलाबा चले जाएंगे या उसे तो नीचे चले जाएं क्योंकि ऑलमोस्ट शाम होने वाली है और ठंड बहुत हो गई है और हम लोगों के पास और हम लोगों के पास ग्लव्स भी नहीं है, एक्चुअली हैं बट वन मोल ने पहने हुए हैं उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा भाई, तुम्हारा वॉरियर है